अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है अपने चैनल का ओवरव्यू देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने थंबनेल में भी ये मेंशन किया है कि मैं आज थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि मोनेटाइजेशन होती क्या है। मोनेटाइजेशन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसके लिए, एक तो हमें चाहिए होता है 1,000 सब्सक्राइबर, और दूसरा हमें चाहिए होता है 4,000 वॉच टाइम। तो इसके लिए जो है ये चीज़ें मेरी तकरीबन पूरी अभी हो गई थी लास्ट टाइम तकरीबन 6 महीने पहले। तो मेरे चैनल पे जो है जब आप मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जस्ट शौक शौक में एक मुझे डिज़ाइनिंग का शौक था। तो मैं क्या करती थी कि पिक्चर्स वगैरह लेके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो वो मैं सिंपल या छोटा थोड़ा सा म्यूजिक बैकग्राउंड के साथ जो है वो वीडियोस बना के अपलोड कर देती थी। तो क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यूट्यूब का एल्गोरिथम वगैरह क्या है, तो मेरा जस्ट उसमें एडिटिंग का पॉइंट होता था, बाकी उसमें वॉइस ओवर वगैरह या स्टिचिंग की वीडियो वगैरह मैं अपलोड नहीं करती थी। तो जब मेरा 4,000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, तो जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो मेरा आ गया रिड्यूस्ड कॉन्टेंट का। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है। तो यूट्यूब की तरफ से मुझे बताया गया कि आपकी जो वीडियोस हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगी। तो उन्होंने रीज़न ये दिया कि आप क्या या तो इसमें वॉइस ओवर होना चाहिए था, लेकिन ये है कि या फिर आप इसमें जो है अपनी स्टिचिंग की भी साथ साथ वीडियोज़ आपको अपलोड करनी चाहिए थी अपने हर वीडियो के अंदर। तो जी मैंने जब रिव्यू किया सारी अपनी वीडियोस को तो उनका ये था कि या तो आप इनको एडिट करें या इनको डिलीट करें। तो मैंने अपनी जो छोटी छोटी सारी वीडियोस थी पहले उनको डिलीट करना शुरू किया, क्यों, और फिर साथ में जो है मैंने अपनी स्टिचिंग की वीडियोस भी साथ साथ अपलोड करना शुरू कर दी। अच्छा, छोटा सा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोगों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम आती है रीयूज कंटेंट की और आपको कोई भी वीडियो वगैरह डिलीट करनी पड़ जाती है, तो आपने अपनी सारी वीडियोस को जो है एकदम से डिलीट नहीं करना है। उससे ये होगा कि आपका चैनल जो है बिल्कुल डेड हो जाएगा और फिर वो उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं वो एक एक दो दो करके हफ्ते में जो है वो डिलीट कर देनी है। जो बड़ी वीडियोस है उनको आपने अभी, जिनके ऊपर व्यूज ज्यादा हैं, उनको आपने एकदम से डिलीट नहीं करना है। तो मैंने भी इसी तरह किया था कि मैं छोटी छोटी वीडियोस को तो मैं दो दो तीन तीन करके डिलीट करती गई थी, और जिन वीडियोस पे मेरे व्यूज ज्यादा थे उनको मैंने एंड तक रखा था, और साथ साथ मैं अपनी स्टिचिंग की वीडियोस भी अपलोड करती गई हूँ। तो इससे ये हुआ कि मेरे जो चैनल का एकदम से जो है बिल्कुल ठप नहीं हुआ, आप कह लें एकदम से डेड नहीं हुआ। एक तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं और दूसरा जो है आपके चैनल की जो रीच है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि आप एकदम से सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे तो चैनल बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि जो है मैं वीडियोस कम अपलोड करती थी, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों के साथ जो है काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टिचिंग का, तो इस वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी वीडियोस को डिलीट करना शुरू किया, और एंड तक जो है अब लास्ट मंथ तक मैंने सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया। तो अब हुआ ये है कि एक हफ्ता 10 दिन या महीना जो है आपके व्यूज कम आते हैं, क्योंकि एकदम से चैनल का आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है पैटर्न, पिक्चर से आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो थोड़ा उससे घबराना नहीं है, व्यूज थोड़े से कम हो जाते हैं तो बीच में गैप भी आ गया, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था, बच्चों के एग्जाम्स थे, बड़ी बेटी के भी एग्जाम्स थे तो खुद ही पढ़ाना होता है, तो वो सारी चीजें मिक्स हो गई थी। तो जो है प्लान तो मैंने यही किया था कि जो है डिलीट, क्योंकि जो मैंने पैटर्न रखा हुआ था वीडियोस को डिलीट करने का उसी पे मैं करती आ रही थी। तो एंड पे मेरी जो 4 वीडियोस थी जिन पे मेरे अच्छे खासे व्यूज थे लाखों में, तो उनको मैंने बिल्कुल एंड पे डिलीट किया है। तो अब जो है मैं यूट्यूब का मैसेज आया है कि आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट करें, तो मेरा वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो मेरा चैनल फिर
फिर मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब अपना जो एक दफा तो दिल दुखता है आपका कि क्योंकि आपने एफर्ट की होती है, तो फिर लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़, वो कहते हैं ना कि आपके हक में जो होता है वो बेहतर होता है, हमें पता नहीं होता। तो घर वालों ने तो कहा कि छोड़ दो, बस कुछ नहीं होता, फजूल चीज़ें हैं, ये है वो है, जैसे हमारे हाँ घरों में कहा जाता है कि छोड़ दो बस छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, इतना अरसा अगर मैंने लगाया है तो कुछ ना कुछ इंसान नया सीखता है, ये चीज़ें हमें पहले नहीं आती थी, अब तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो अब तो छोड़ने का कोई जवाब ही नहीं बनता है। तो मैं टीचिंग के साथ साथ मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो अब तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तो मुझे काफ़ी जो है चीज़ें सीखने को मिल गई हैं। अब तो बच्चियों से भी, बेटी से भी पूछ लेती हूँ, अब तो वो भी काफ़ी इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गई है, क्योंकि पहले जो था बच्चों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने भी एल्गोरिथम वगैरह का मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जो होता है बहरहाल अच्छे के लिए ही होता है, नई नई चीज़ें सीखता है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो इसको पीछे सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है ये जो सिलाई से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उनमें जस्ट कटिंग स्टिचिंग, वो तो बहुत एक्सपर्ट्स वगैरह भी बैठे होते हैं, टेलर भी बैठे होते हैं, तो वो तो डिफरेंट मेथड से आपको कहीं ना कहीं से भी मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें जो है स्टिचिंग में व्लॉग टाइप जो है उसको बनाना चाहिए, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है कि घरेलू वाइफ किस तरीके से काम के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के ड्रेसेस वगैरह अपने खुद बना सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज मैं करूँगी, अपना स्टिचिंग का जो चैनल है उसी को रिव्यू करूँगी, और उस पर जो है इंशाल्लाह अब व्लॉग टाइप जो वीडियोस हैं वो अपलोड किया करूँगी। तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी चेंजिंग आपके माइंड में आती है कि आप इस तरीके से बनाएं या मुझे पुराने पैटर्न पे ही रखना चाहिए, तो जो देखने वाला होता है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है कि आप लोगों की हेल्प मैं ले लेती हूँ अब, क्योंकि पहले अकेले कर करके वो बंदा जो सीखता है ना, तो अब जो है मैंने सोचा कि जैसे ही मैं ये न्यू पैटर्न जो है वो नया व्लॉग टाइप बनाने लगी हूँ, तो क्यों ना व्यूवर्स की राय ली जाए वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे जस्ट स्टिचिंग की ही वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, या छोटा सा जो व्लॉग हमारी डेली जो रूटीन होती है एक हाउसवाइफ की, तो वो कैसे जो है टाइम निकालती है, कैसे चीज़ों को मैनेज करती है, वो भी साथ में अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आई होप किसी और को भी मेरी इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोगों को इतना जो है इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि नई चीज़ जब बंदा स्टार्ट करता है तो इतना नहीं पता लगता है, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि किसी के लिए ये काम आ जाए, किसी के लिए छोटा सा पॉइंट कोई हेल्पफुल साबित हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।